श्री राम मित्रों, जय भागवत श्रद्धा सरकार के जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, हमारे प्रसिद्ध हो रहे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के प्रसिद्धि के पीछे क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज न केवल भारत बल्कि ग्लोबली रूप से पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, पूरे विश्व में उनकी कथाएँ हुआ करती हैं। इस समय गुरुदेव जी महाराज महाराष्ट्र में हैं और उनकी 8 तारीख को वापसी है वहाँ से। उसके बाद में 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक वो अज्ञातवास रहेंगे। 16 तारीख के बाद में वो 17 तारीख को पुणे के लिए निकल जाएंगे। 19 से 22 तारीख तक पुणे में कथा कहेंगे, उसके बाद पुनः धाम पर आएंगे। तो यह छोटी सी जानकारी मैंने कथा की दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इतने ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, जबकि उन्हीं के साथ में दरबार लगाने वाले हजारों हजार बाबा हर रोज हो रहे हैं ऐसे, और पहले से भी तमाम ऐसे बाबा लोग हैं जो कि मन की बात पर्चियों पर लिख दिया करते हैं, लोगों की बातें बता दिया करते हैं, समाधान बता दिया करते हैं। उनमें कुछ विशेष नाम है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पंडोखा धाम सरकार जो कि उनसे भी पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से भी पहले प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं इस बारे में, और हर रोज वो जो है चमत्कार पे चमत्कार करते रहते हैं। पंडोखा धाम सरकार 35 सालों से दरबार लगा रहे हैं, और उसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के साथ में ही दरबार शुरू किए लवलेश त्रिपाठी जी महाराज, जो ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के खुद के भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के खुद के भाई, चचेरे भाई दिनेश गर्ग जी महाराज, जिनका माँ तारा देवी दरबार नाम से दरबार चलता है, वो भी उनके बाद जस्ट बाद ही दरबार शुरू किए। लेकिन आज उनकी भी प्रसिद्धि इतनी नहीं है। कुटी सरकार को आप जानते हैं, उनकी भी प्रसिद्धि इतनी नहीं है। ना जाने कितने सरकार हैं, और एक जो है यूपी में कोई बाबा निकले हुए हैं। तो इस तरह के तमाम बाबा लोग इस समय हैं जो कि प्रसिद्धि इतनी प्राप्त नहीं की है। केवल आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ही विश्वव्यापी क्यों हो गए, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे विश्व में दरबार लगा रहे हैं, और हर जगह बाबा बागेश्वर की जय जयकार हो रही है। ऐसा क्यों है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ही क्यों इतना पॉपुलर हो गए, बाकी और लोग क्यों नहीं हो गए। मित्रों, 3 प्रमुख कारण मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन 3 प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूं जिससे बाबा बागेश्वर इतने ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज मन की पर्ची 2012 और 13 से ही बना रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच इतने लोकप्रिय नहीं थे। उसी बीच उन्होंने जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो तुलसी पीठाधीश्वर कहे जाते हैं, उनसे दीक्षा लिया। जब जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया, तो जगतगुरु जी महाराज पूर्व में ही काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हो चुके हैं, सुविख्यात हो चुके हैं देश विदेश में। उनकी प्रसिद्धि पूर्व से ही थी, पहले से ही थी, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों से पहले से ही उनसे काफ़ी जो है संपर्क रहा है। वो एक आधिकारिक व्यक्ति हैं, उन्हें भारत सरकार ने पद्म पुरस्कृत भी किया है। तो उनके परम शिष्य होने के नाते धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी जहाँ तहाँ दूर दराज तक पहुँचने लगे और लोग भी इन्हें जानने लग गए। इधर आकर के राम मंदिर का प्रस्ताव जब पारित करवाए सुप्रीम कोर्ट में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उसी समय आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी उनके साथ साथ लगे हुए थे इसी प्रक्रम में। और उसी बीच में आप सभी को याद होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास बुलडोजर नहीं है, नहीं तो मैं भी बुलडोजर चला करके ऐसे लोगों को, मतलब समझ रहे हो ना, ये सारी बातें जो बोले थे। तो यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। क्यों? क्योंकि लोग, कुछ लोग आलोचनाओं की वजह से उनकी जो है निंदा करने के लिए उनकी वीडियो वायरल किए, तो कुछ लोग जो है उन्हें विख्यात करने के लिए, कुछ मीडिया पत्रकार लोग कि देखिए बाबा लोग भी ऐसे बात कर रहे हैं कि बुलडोजर से जो है घर गिरवाएंगे, चलाएंगे बुलडोजर, तो इनके पास पैसे नहीं है, नहीं तो ये भी बुलडोजर चला देते। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा देखा गया मित्रों, मिलियन ऑफ व्यूज आए इस पे, और बहुत सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को जो नहीं जानते थे वो जानने लगे। पहली बात तो सनातन विरोधियों के लिए कड़े शब्द बोलना पहली प्रसिद्धि का कारण, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा लोगों में प्रभावित किया वो था उनकी वाक्पटुता, उनकी वाणी, साथ ही उनका चेहरा भी काफ़ी मायने रखता है। मित्रों, इस पे मैंने कई वीडियोस देखे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को न जाने कितने लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, उनकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। लो, ये भी प्रसिद्धि का कारण हो सकता है। चेहरा भी मायने रखता है मित्रों, ऐसी बात नहीं है, गुण तो मायने रखता ही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को हजारों हजार की जो है लड़कियाँ भी, लड़के भी, सभी पसंद करते हैं, तो बहुत सारे लोग चेहरे की वजह से भी उन्हें पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं और उनकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। तीसरा सबसे बड़ा प्रसिद्धि का कारण मैं आपको बता देता हूँ, जब श्याम मानव द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो अंधश्रद्धा फैलाते हैं, उसके बाद जब हजारों मीडिया पत्रकारों के सामने इंटरव्यू दिया, उस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की गाड़ी चल पड़ी और इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ ली है कि अब तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप सभी जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज उसके बाद में फेमस होते चले जा रहे हैं, और उनकी वाक्पटुता तो बहुत अलग सी ही है। उनकी वाणी जो है सनातन विरोधियों के लिए इतना तीक्ष्ण बोलते हैं, और
सनातनियों के लिए इतना मीठे स्वर होते हैं उनके कि उनको जो है प्रसिद्धि पर प्रसिद्धि मिलती चली जा रही है, जबकि और साथ के बाबाओं को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। तो मित्रों यह भी एक प्रमुख कारण था दिनेश शास्त्री जी महाराज के विश्व विख्यात होने के पीछे। तो कुछ और कारण में आज की दुनिया, जो आज का परिवेश है, जो आज का समय चल रहा है, इसमें लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, चमत्कार में विश्वास करते हैं। अगर प्रत्यक्ष हमें कोई चीज़ करके दिखाओ तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष हमारे साथ में कोई चीज़ घटित करके दिखाओ तो हम जो है विश्वास कर लेंगे कि हाँ हमारे साथ में भगवान है, या फिर हमारे साथ में आपके साथ में कोई शक्तियाँ हैं। तो दिव्य शक्तियों में लोग विश्वास करते हैं, कहानियों में विश्वास नहीं किया करते हैं। तो दिव्य शक्तियाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज दिखाते ही हैं, आप सभी जानते हैं कि वो पर्ची बनाते हैं और लोगों के मन की बात बता देते हैं, साथ ही समाधान बता देते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज प्रेत दरबार भी लगवाते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि प्रेत दरबार लगवाते हैं तो हजारों की संख्या में लोगों के जो है भूत प्रेत इत्यादि भगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने दरबार में, अपने कथा पंडाल में कहीं भी किसी भी प्रकार की लोगों से एक रुपये का शुल्क नहीं लिया करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के प्रसिद्धि के पीछे यह एक और प्रमुख कारण हो सकता है। अब एक और प्रमुख कारण गिन लीजिए उसमें। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज एक ऐसे बाबा हैं, पहली बार एक ऐसे बाबा हैं जो कि अपने कथाओं में लोगों से एक रुपये का चंदा नहीं लेते हैं, लेकिन देते बहुत कुछ हैं लोगों को। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 121 कन्याओं का विवाह करवाया और प्रतिवर्ष करवाने का उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। इस वर्ष 2024 में भी 8 मार्च को धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 151 कन्याओं का विवाह करवाएंगे। और यही नहीं, गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि प्रत्येक बहनों को हम एक एक मोटरसाइकिल भी दहेज स्वरूप में भेंट करेंगे। मित्रों यह एक और प्रमुख कारण हो गया जिससे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज लोगों के बीच अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली है। और एक प्रसिद्धि का कारण मैं बता देता हूँ आपको। गढ़ा क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं जिसमें कैंसर रोगियों का मुफ्त में इलाज होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा, और वह अस्पताल भी लगभग बनने ही वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो मित्रों यह कुछ ऐसे काम हैं जो कि और बाबा लोग नहीं किए। भले ही पैसा कितना भी कमा लें, भले ही प्रसिद्धि कितनी कमा लें, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से ज़्यादा प्रसिद्धि कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो भी ऐसा भविष्य में करते हैं तो शायद उनको भी लोग इतनी प्रसिद्धि दें, लेकिन अभी फिलहाल हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज नंबर वन पे हैं। आप सभी को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।